लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस है। सब्जी मसाला, गरम मसाला। जब मसाला पर्याप्त गरम होता है तब टमाटर डालने का समय आता है। आज का हीरो पनीर जी है। हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम कोहे है, टोक्यो जापान से हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी सीखता हूँ और इसी भाषा में वीडियोस बनाता हूँ YouTube के लिए। इस लॉकडाउन के कारण यह भारत में हम सभी को बाहर जाने में झिझकना चाहिए होता है, मगर ज्यादा समय घर के अंदर बिताने पर हमें बोरियत हो जाती है। फिर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि केवल घर के अंदर रहने पर इस दुनिया में, इस पृथ्वी में रहने वाले बहुत सारे खूब सारे इंसानों की जान बचाई जा सकती है। और मेरे देश जापान में लॉकडाउन तो नहीं किया गया है, मगर निवासी लोगों से निवेदन किया जा रहा है जितना हो सकता है बाहर जाने में झिझकिए। आज भी मैं एक नया वीडियो ले आया हूँ आपके टाइम पास के लिए। मैं आज इस वीडियो में एक भारतीय खाना बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल मेरी मेड भी नहीं आ पाती है खाना पकाने के लिए, तो मुझे बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपने आप खाना पका लूँ। यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और मुझे कुछ नया ज्ञान भी मिल सकता है। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें और आप प्लीज कृपया करके घर के अंदर ही रहिएगा, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो खाना पकाना आरंभ करते हैं। लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज, टमाटर। सबसे पहले लहसुन को काटना है, जितना छोटा है उतना अच्छा है। लहसुन को काटने के बाद अदरक भी काटना है और यह भी एकदम छोटा करना है। हरी मिर्ची भी काटिए। अब प्याज काटने का समय आ गया। प्याज काटना मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तकरीबन एक घंटा। तारा, प्याज काट लिया, इसके लिए एक दिन लगा। देख लीजिए मेरा हार्ड वर्क कितनी अच्छी तरह से काट लिया, 24 आवर्स का काम है। आइए, गरम हुए घी में प्याज डालने का समय आ गया। थोड़ा सा नमक। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस है। जब तक इसका रंग ब्राउन नहीं होता है तब तक बहुत धीरे से पकाना है। ब्राउन हो गया, लहसुन और अदरक डालने का वक्त है। मसाले डालने जा रहा हूँ। पहले हल्दी है, धनिया, सब्जी मसाला, गरम मसाला। मसाला मिलाकर अच्छी तरह से गरम कीजिए। कटा हुआ टमाटर है तकरीबन 2 पीसेस। जब मसाला पर्याप्त गरम होता है तब टमाटर डालने का समय आता है। और पानी, देखिए बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। मेरा कुकिंग इतना ज्यादा बुरा नहीं है। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाल दिया है। तरंग, आज का हीरो पनीर जी है। पनीर जी को ऐसा काट लिया। A few minutes later, तरंग पक गया, बन गया। अच्छा ऐसा ही दिख रहा है, ठीक ठाक बना है। ताकिमास। Okay guys, thank you for watching my video. If you liked my work, please do not forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. ठीक है यार, subscribe तो कर देना please. चलो, see you next time guys. Bye.